टेका स्थित फारूक नगर ग्राउंड पर शाहीन बाग की तर्ज पर पिछले कई दिनों से सीए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को मौलाना सैयद आजमगीर अशरफ ने कहा कि राज्य में आने वाली 1 मई से एनपीआर लागू किया जा रहा है। राज्य में एनपीआर लागू करने का निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लिया है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने राज्य के बड़े उलमा, मौलाना, इमाम और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। सभी की परेशानी को जानने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया। अब आम नागरिक ने विधानसभा चुनाव में मतदान कर जिन लोगों को नेता और विधायक बनाया है, उन्हें एनपीआर वापस लेने के लिए मेमोरेंडम सौंपा जाएगा। यदि इसके बाद भी नेताओं द्वारा एनपीआर वापस नहीं लिया गया तो आघाड़ी सरकार की तरह महाविकास आघाड़ी सरकार का विरोध किए जाने की चेतावनी धरना प्रदर्शन में दी गई। इस अवसर पर हाईकोर्ट के एडवोकेट सीएस शर्मा, आरएस रैना आदि उपस्थित थे। मुस्लिम वुमन एसोसिएशन हैदराबाद के फाउंडर डॉक्टर आसमा जहरा ने बताया कि सरकार को सीए, एनआरसी और एनपीआर कानून को वापस लेना ही होगा। सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है वह गैर संवैधानिक है। कानून लागू किए जाने से सर्वाधिक परेशानी महिलाओं को झेलनी पड़ेगी। शादी होने के बाद लड़कियों का सरनेम बदल जाता है। कई बार एक राज्य से दूसरे राज्य और शहरों में बेटियों की शादी कर दी जाती है। ऐसे में महिलाओं के पास जो दस्तावेज होते हैं वह पहले के नाम पर होते हैं। नए दस्तावेज बनाने के लिए निवेदन पत्र में सही नाम दिए जाने के बाद भी प्रमाण पत्र और पहचान पत्र पर गलत नाम लिख देते हैं। ऐसे में महिलाओं को निश्चित तौर पर परेशानी होगी ही। नागपुर का ही आंदोलन नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन चल रहा है और उसकी वजह सबको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने एनआरसी, एनपीआर, सीएए जो एक नई चीज लागू की है जो कि ऑलरेडी संविधान में हमारे पास ऑलरेडी थी, उसको सिर्फ एक शायद ध्यान हटाने पे लोगों का कि महंगाई बढ़ रही है, हमारी जो और चीजें हैं उनमें प्रॉब्लम हो रही है, बीएसएनएल बिक रहा है, एयर इंडिया बिक रहा है, शायद उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया है। जबकि आसाम का एक रेगुलर आ चुका था, आसाम का उनके पास आ चुका था कि 19 लाख लोग जो हैं वो उनको, जिसमें के सबसे बड़े मजाक है कि आसाम की पूर्व सीएम भी तैमूर मैडम भी आ चुकी हैं कि वो भी एनआरसी में उनका नाम लिया गया था। तो ये एक परेशान करने वाला है और हम, ये वजूद की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, हमारे आने वाली नस्लों की लड़ाई है, हम लड़ेंगे। उन्होंने ये कहा है कि मैं 1 इंच नहीं हटूंगा। मैं ये कहती हूँ कि मैं इतनी लंबी लकीर खींच दूंगी कि उनसे ज्यादा 8 इंच ऊंची लकीर खींच दूंगी। वो ना हटे, वो वहीं खड़े रहें, हम आगे बढ़ जाएंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।